मैं प्रीति सोगानी भरत बाहुबली चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक प्रख्यात जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी को आज मैं आप सबसे रूबरू करवाने जा रही हूँ, जो कि अहिंसा, शांति, धार्मिक सद्भावना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सैयदना कुतुबुद्दीन सद्भाव पुरस्कार 2018 से महात्मा गांधी 150वीं जयंती के अवसर पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में विशेष सम्मान समारोह में पुरस्कृत प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष परम पूज्य दलाई लामा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख ताहिर फकीरुद्दीन साहिब ने पुरस्कार करते हुए कहा, आचार्य लोकेश ने विभिन्न धर्मों के संतों में एकता कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक हैं। उन्होंने गुजरात, मुजफ्फरनगर, केराना के दंगों, सच्चा सौदा डेरा एवं सिख समुदाय विवाद के बाद शांति सद्भावना कायम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले, महाराष्ट्र के मंत्री श्री राज के पुरोहित, विधायक एवं उद्योगपति श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी भी उपस्थित थे। डॉक्टर आचार्य लोकेश जी को अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने कहा, अहिंसा, शांति, सद्भावना, समानता और सार्वभौमिक भाईचारे की दिशा में और अधिक कार्य करने का दायित्व बोध महसूस कर रहा हूँ। मैं ये सम्मान अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ। धार्मिक सद्भावना के देश में विकास के लिए बेहद आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि धर्म ने समाज को एक साथ रहना सिखाया है, अंतरधार्मिक संवाद के क्षेत्र में मिसाल कायम की है, विश्व जनमानस के लिए वो एक आशा की किरण है, जो विश्व के आतंकवाद, हिंसा और मतभेदों को खत्म करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। आइए हम चलते हैं ऐसे महामहिम प्रखर व्यक्तित्व की तरफ, मिलते हैं परम पूज्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी से। मैं प्रीति सोगानी भरत बहु क्या खाली जैन धर्म के बारे में जैनियों से ही प्रचार किया या और भी सबके सबको बताया आप? देखिए प्रीति जी, इसमें मैंने नया कुछ नहीं किया है। मुझे विरासत में भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन मिला और मैं समझता हूँ भगवान महावीर जितने बड़े आध्यात्मिक महापुरुष थे उससे ही बड़े वो मनोवैज्ञानिक भी थे और मेरी समझ में जितना सांप्रदायिक उनका दृष्टिकोण रहा है वो अपने आप में उल्लेखनीय है। तीर्थंकर महावीर ने 15 प्रकार के सिद्धत्व का विधान किया, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। इसको अगर मैं सरल भाषा में रूपांतरित करूं तो तीर्थंकर महावीर के अनुसार सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेश से है। महावीर की वाणी तो ये कहती है कि भले ही कोई इस्लामाबाद में जन्म क्यों न ले, अगर उसकी भावधारा निर्मल है, पवित्र है, कषाय मुक्ति है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से, तो इस्लामाबाद में जन्म लेने वाला भी मुक्त हो सकता है। और अगर कषाय मुक्ति नहीं है तो भले ही लोकेश मुनि जी सन्यासी का वेश धारण करके या कोई पालीतना या समेत शिखर में जन्म लेकर के भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये इतना व्यापक असांप्रदायिक दृष्टिकोण ये भगवान महावीर का रहा है। तो ऐसे के अंदर अनेकांत का दर्शन अपने आप में सबको जोड़ता है
और अगर मैं उनके अहिंसा दर्शन की बात करूं, मैंने जितना समझ पाया हूं, अहिंसा का अर्थ ही है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करें। दूसरों अपनी गुरु परंपरा को मानना ईमानदारी के साथ, यह आपका अपना कर्तव्य है, दायित्व है, अधिकार है, किंतु दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, उनका भी सम्मान करना, ये अपने आप में जोड़ता है। और इसलिए मैं प्रीति जी फिर से कहूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे विरासत में भगवान महावीर का जो अहिंसा और अनेकांत का दर्शन मिला है, मैं उसको प्रायोगिक धरातल पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने और वहां मैं इतना काम करने में इसलिए अधिक सफल हुआ हूं, उसमें मेरा पुरुषार्थ कम है, वहां की जो जैनों की एकता है उसको मैं श्रेय देना चाहूंगा। यानी कि वहां पर एक छत के नीचे, चाहे दिगंबर है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे तेरापंथी है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे मूर्ति पूजक है, और यही कारण है मैं इस बार पर्युषण पर्व पर शिकागो जैन सेंटर में था और मैंने अनेक स्थानों पर वहाँ पर्युषण पर्व किए हैं। मैं आपको बताऊं प्रीति जी, वहाँ पर प्रतिदिन 3 से 4 हजार लोग प्रवचन में उपस्थित होते हैं। और आप और हम सभी जानते हैं, भारत में अगर आपको 4 हजार लोग इकट्ठे करने पड़े तो 10 हजार कार्ड छापने पड़ेंगे और भोजन जीवन की व्यवस्था अलग से करनी होगी। और वो वहाँ पर जो आते हैं वो मेरी शक्ल देख के नहीं आ रहे थे, मूलतः जैनों की यूनिटी के कारण से, उस एकता के कारण से। और उस एकता का ये असर हुआ है कि अमेरिका में जैनों की आवाज यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुनाई देती है और व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है। यहां दिक्कत क्या हो गई, भारत में हम लोग आपस में इतने ज्यादा बंट गए। अगर मैं अपने संस्मरण आपके साथ साझा करूं, मैं सन 1983 में दीक्षित हुआ, लगभग 22 साल तक मैंने पद यात्रा करते हुए लगभग 20-22 हजार किलोमीटर मैंने पद यात्रा की। और सामान्यतः जब हम पद यात्रा करते हुए, कंधों पे वजन होता था, नंगे पांव होते थे, और शहर में से बाजार में जब हम प्रवेश विहार करके लगभग 10-15-20-25-30 किलोमीटर का विहार करते हुए पैदल जब किसी नगर में पहुँचते और अपने स्थान तक जाने के बीच में अगर कोई बाजार आ गया, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य भी होता और मुझे आज भी दुख है उस बात का कि दुकान के ऊपर लिखा हुआ है महावीर प्रोविजन स्टोर, किसी दुकान पे नाम है, मैं उदाहरण के तौर पे कहा हूँ, अरियन ज्वेलर्स, किसी दुकान के पे है ऋषभ मेडिकल। उसके अंदर बैठा हुआ आदमी दूर से वो देखता है, हमारी इस मुपत्ति को नापता है अपनी आंखों से और उसे फिर लगता है अच्छा सा ये तो हमारे नहीं है, और वो ठूंठ की तरह वहां ऐसे ही बैठा रहता है, खड़ा तक नहीं होता। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं वायुयान से यात्रा करते हुए, क्योंकि मैं अब दुनिया में, पूरी दुनिया में जा रहा हूं, सन 2005 में मैंने वाहन विहार स्वीकार किया और अपने जैन परंपरा से सबसे पहले आचार्य सुशील मुनि जी महाराज करीब 40 साल पहले आज यहां से जो है हिंदुस्तान से वो बाहर गए थे, और उसी समय तत्कालीन समय में गुरुदेव चित्रभानु जी गए थे। और मैं उन दोनों को इस समय बड़ी श्रद्धा से याद करते हुए ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय जो साहसिक निर्णय लिया और रूढ़ परंपरा, मिथ्या मान्यताओं और सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण से होने वाले विरोध की परवाह किए बगैर, मुझे आज भी बताया जाता है कि यहाँ जब उन्होंने निर्णय लिया तो यहीं चांदनी चौक में काले झंडे के जुलूस निकले थे, हजारों लोग एयरपोर्ट पे इकट्ठे हो गए थे उस जमाने में कि हम जाने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में इतना काम किया कि सारे विरोध करने वाले उनके चरणों में आकर के बैठे। और आज हम जो वो अमेरिका में या और देशों में जो जैन धर्म जो सुरक्षित रहा है, उसका श्रेय उनके साहसिक निर्णय को जाता है। आज मुझे तो वहाँ पर सब जमा जमाया मिलता है मामला, पर उन्होंने उस जमाने में 40 साल पहले, जब वेजिटेरियन बहुत कम सुलभ था,
मेरे ख्याल से ब्रेड रूट से, दूध और ब्रेड से काम चला करके उन्होंने कार्य किया, लेकिन आज वहाँ पर जिस प्रकार की यूनिटी है, तो मैं यहाँ पर जो बात कहने जा रहा था कि उस एकता के कारण से बहुत बड़ा लाभ जो है उनके पुरुषार्थ के कारण से मिला है, लेकिन यहाँ की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि उसके कारण से इतने बंट गए, वरना आज भारत में अगर देखें जैनियों की अच्छी खासी आबादी है, जैन समाज सरकार को रेवेन्यू चुकाने में सबसे आगे है, जैन समाज अहिंसक और शांति प्रिय समाज है, अगर 1,00,000 लोगों का जुलूस भी हो तो कहीं पुलिस के डंडे की जरूरत नहीं रहती है, जैन समाज कहीं भी देश के अंदर अगर अकाल, बाढ़, तूफान, सुनामी, भूकंप, कोई आपदा आ जाए तो वो उस समय योगदान देने में आगे रहता है, किंतु यूनिटी के अभाव में जैन समाज का राष्ट्रीय क्षितिज पर जो अस्तित्व होना चाहिए वो नहीं है। मैं जब दीक्षित हुआ आज से 35 साल पहले, इसी पार्लियामेंट में 16-18 मेंबर हुआ करते थे, पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर थे, डालचंद जैन थे, वृद्धिजन जैन थे, न जाने कितने मूलचंद डागा थे, आज पूरी पार्लियामेंट में आपके 4 मेंबर नहीं। उसका कारण यह है कि भारत के अंदर हम इतने ज्यादा जो हैं, जबकि महावीर का दर्शन तो अगर मैं आपको कहूं वो विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है। भला जिसके पास अनेकांत जैसा दर्शन हो, कहीं कोई कारण ही नहीं है कि वो जो है आपस के अंदर इतने विलग रहे, किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विदेशों में मुझे ये कहते हुए भी सात्विक प्रसन्नता, हालांकि लोगों को तो आश्चर्य होता है। तो आपने जो अभी संस्था है आपका अहिंसा विश्व भारती जो संस्था है, तो इससे अगर हम कोलकाता वाले जुड़े तो कैसे जुड़े? देखिए, अहिंसा विश्व भारती संस्था से जुड़ने के लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो पवित्र भावना से जुड़े। और मैं समझता हूँ मैंने एक प्रयास किया है, और मुझे कहते हुए सात्विक मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि मैंने एक ऐसी संस्था का मुझे फाउंडर बनने का सौभाग्य मिला है जिसमें दिगंबर भी हैं, स्थानकवासी भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, तेरापंथी भी हैं, और उतने ही नॉन जैन भी है, जो उदारवादी हैं, जो समन्वयवादी हैं, और जो कुछ करने की ललक लिए हुए हैं। और मेरा ये कहना है, धर्म जो वास्तव के अंदर हमने ये जो बांट लिया, धर्म का काम है जोड़ना। बहन प्रीति जी, ये कहना चाहूँगा, धर्म तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत, इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। तो अहिंसा विश्व भारती की स्थापना पीछे भी यही उद्देश्य रहा कि किस प्रकार से हम धर्म को समाज सेवा से जोड़ें, हम धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। और यही कारण है कि आज अहिंसा विश्व भारती शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अभावग्रस्त हैं उनको कैसे एजुकेशन मिले, चिकित्सा के क्षेत्र में, अभी आप जब यहाँ आए, मैं गंगाराम अस्पताल गया हुआ था, आज वहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ है। हम समय समय पर इस प्रकार की लोगों की मदद करते हैं जो वाकई में नीडी हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जब सर्दी की मौसम आती है, मेरी संस्था के कर्मचारी रात को 12 बजे यहाँ से टेम्पो ट्रक भर के लेके कंबल लेके निकलते हैं, मध्य रात को इसलिए निकलते हैं कि वो अपनी नजरों से, अपने हाथों से ठिठुरते उन लोगों तक जो है वो कुछ राहत पहुंचा सके, और वाकई में नीडी लोगों तक, जो जरूरतमंद है उन तक जो है व्यवस्था पहुंचे। इसी तरह से सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध में, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, मैंने वाहन विहार स्वीकार करते ही अगले ही दिन से एक यात्रा शुरू की थी, टंकारा गुजरात में एक स्थान है राजकोट के पास में, और वो भगवान महावीर का निर्वाण दिवस था उस दिन, दयानंद सरस्वती का भी वो दिन था, नानक गुरु नानक देव का भी दिन था, और टंकारा से लेकर के अमृतसर तक कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सर्वधर्म जन चेतना जागरण यात्रा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इसका संबंध किसी एक संप्रदाय से नहीं है, एक धर्म से नहीं है, एक क्षेत्र से नहीं है, ऐसे कार्यों के लिए सभी एक मंच पर आए। हम ये जो राजनेता, मैं केवल जैन धर्म की नहीं, इससे आगे की बात कह रहा हूँ, ये राजनेता जिसको हम लड़ते झगड़ते देखते हैं टीवी पर, फिर भी ये 15-20 दल मिलके कभी UPA के नाम से, कभी NDA के नाम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5-10-15 साल सरकार साथ में चला लेते हैं। तो हम भला धर्मों के धर्मगुरु साथ में मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते?
जबकि जो है सबकी, मैंने जैसा कहा, उपासना प्रणाली अलग हो सकती है। बाकी भला कौन ऐसा है जो अहिंसा शांति सद्भावना नहीं चाहता हो, कौन ऐसा है जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ नहीं है, नशे के खिलाफ नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ नहीं है। तो इन मूल्यों पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। और मैं अपील करता हूँ कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो बंधुओं, आए हम सब मिलकर के कार्य करें तो निश्चित रूप से उसका और अधिक व्यापक असर होगा। और हमने देखा है जहाँ काम जमीनी धरातल पे किया जाता है, आज उन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या के जिन क्षेत्रों में हमने काम किया, खास करके 9 स्टेटों में अहिंसा विश्व भारती ने, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो जहाँ पर आंकड़ा 700 से के आसपास चला गया था, अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन आज भी बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, इतनी घटनाएं बच्चियों के साथ जो हो रही है, उसकी जड़ में जाकर अगर जाकर के देखेंगे, मैं केवल कन्या भ्रूण हत्या को केवल इतने तक नहीं ले रहा हूं कि भाई चलो शादी कैसे होगी। मेरा ये कहना है, ये बालक बालिका का जो जन्म दर बढ़ता जा रहा है, असंतुलन, इसके कारण से नैतिक चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ेगा, मानसिक विकृतियाँ बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी और अल्टीमेटली समाज में अराजकता पैदा होगी। तो आइए बंधुओं, हम सभी मिलकर के इस प्रकार की समस्याओं के विरुद्ध, आज आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण की जो स्थिति है, अब दीपावली नज़दीक आते आते दिल्ली में जो है, आज सुबह ही मैं देख रहा था जब प्रातः मॉर्निंग वॉक के समय में हवा के अंदर जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल कोई धुआं धुआं सा रहा है। उसका रीज़न है कि ये जिस प्रकार की हमारी भगवान महावीर ने जिस जैन जीवन शैली की बात कही थी, उन्होंने भोग और उपभोग के सीमाकरण की बात कही थी, हमारी ये धरती माता आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है किंतु असीम लालसाओं की नहीं करती, लेकिन व्यक्ति ने अपनी लालसाओं के कारण से इतना भोग विलास और भौतिकता को बढ़ावा दिया है, उसी के कारण से आज क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। इस दिशा में हम मिलकर काम कर सकते हैं। मैं अगले महीने के प्रारंभ में जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट हो रही है टोरंटो, उसमें मैं जा रहा हूँ और मेरा संयोग से इसी विषय पर मेरा लेक्चर है, क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे है। दूसरा मेरा वहाँ पर लेक्चर है पीस एंड लव, नॉट हेट वॉर वायलेंस पे है। और मैं फिर से कहूँगा कि ये सारी चीज़ें मुझे भगवान महावीर के दर्शन में, विरासत में मिली है। इसमें लोकेश मुनि का अपना कुछ भी नहीं है, केवल उस महावीर के उस व्यापक दृष्टिकोण को मैंने समझने का प्रयास किया है और उसको मैं आगे ले जाने का यत्कंचित प्रयास कर रहा हूँ। सर गुरुदेव, जैसे अभी समय शिखर जी में एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम, जो आपको भी शायद पता होगा कि समय शिखर जी के पहाड़ बचाओ, पर्वत बचाओ का जो अभियान चल रहा है, तो उसमें आप का क्या योगदान है? एक तो मैं संयोग से इन दिनों में ज़्यादा बाहर होने के कारण से मुझे तथ्यात्मक व्यवस्थित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे इसकी तथ्यात्मक जानकारी मिले और उसके लिए जहाँ कहीं से भी इसका उल्लंघन हो रहा है तो हम सरकार से बात कर सकते हैं, हम प्रशासन से बात कर सकते हैं, हम वहाँ के स्थानीय लोगों को समझा बुझा के बात कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और मैंने अपने जीवन में ऐसे छोटे मोटे प्रयास किए हैं। एक समय में सिख समाज और सच्चा सौदा डेरे के बीच में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ तो बातचीत की टेबल पे बिठा करके उसको सुलझाया। मुजफ्फरपुर दंगों के बाद में इतना बड़ा वहाँ पर एक तनाव था, मैंने अपनी यात्रा में उस समय यूके में था, यूएसए जाना था, उसको स्थगित करके मैं भारत लौट के आया और यहाँ से हम स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, इमाम उमेर इलियासी जी, हम लोग मुजफ्फरनगर गए, साथ मिलकर काम किया और उस तनाव को ख़त्म करने के प्रयास किए और उसमें सफलता मिली। ऐसा ही कोरोना के समय में हुआ, ऐसा ही जिस समय गुजर आंदोलन उग्र हो चुका, 9 दिनों से लाशें पटड़ियों पे पड़ी सड़ रही थी, उस समय भी हमने सर्वधर्म संसद के बैनर तले जो हैं वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा उस तनाव को मिटाया। तो आज भी मुझे लगता है कि इस समस्या को लेकर के हम जहाँ वास्तविक प्रयास करने से जो चीज़ ठीक हो सकती है हमें वो करना चाहिए। जो काम मान लो कलम से हो सकता है, वहाँ हम तलवार बांधने का काम शुरू कर दें, उससे कुछ होगा नहीं, लठम लठ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है।
तो हम जहां समस्या है, सरकार से है तो सरकार से बात करें, प्रशासन से है तो प्रशासन से बात करें, स्थानीय लोगों से तो स्थानीय लोगों से करें, और हमारे अपने घर की कोई श्वेतांबर दिगंबर की कठिनाई है तो हम बैठ करके करें। मेरा ये मानना है वार्ता और संवाद के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, और महावीर का अनेकांत दर्शन जिसके पास हो, वो तो चाहे भारत पाकिस्तान संबंधों का क्यों न हो विवाद, कश्मीर का क्यों न हो, राम जन्मभूमि का क्यों न हो, हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, बशर्ते भावधारा पवित्र और स्वच्छ विचारधारा के साथ इसको किया जाए। तो मैं चाहूँगा इस मामले में भी अगर मैं ये किंचित कुछ सहयोग कर पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अच्छा आचार्य श्री, एक सवाल है, जैसे आप आचार्य श्री लोकेश मुनि बने हैं, लेकिन उससे पहले जो जब आप के मतलब भावना या वैराग्य भावना, तो वो आपके अंदर कैसे, किस तरह से? प्रीति जी, ये तो आपने बड़ी एक लंबी कहानी छेड़ दी है। मैं सोचता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि पिटारा तब खोलूँ अगर आप संन्यास की दिशा में आगे बढ़ रही हो तो कुछ बताऊँ मैं। चलिए, ऐसा है कि दीक्षा के मेरी समझ में दो कारण होते हैं, एक तो नैसर्गिक, या जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना जिसे जीवन में अचानक रूपांतरण आए। मैं अपने संदर्भ में जब अवलोकन करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसे पिछले संस्कार लेकर के आया था, और यही कारण मानता हूँ कि जब मैं सिर्फ 12-13 वर्ष का हुआ करता था, मेरे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। मैं एक छोटे से गांव में जन्मा, राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का एक पिछड़ा हुआ जिला उस समय कहलाता था बाड़मेर। बाड़मेर में एक छोटा सा गांव पचपदरा सिटी मेरी जन्मभूमि। वहाँ पर न कोई खास बाग बगीचा है, न कोई सिनेमा का हॉल है, सीधा स्कूल थी और घर था, इस दो के बीच में जीवन चल रहा था। लेकिन इस बीच में मेरे गांव में एक सन्यासी चातुर्मास करने जैन परंपरा के आए, उनका नाम था, बहुत ही विद्वान थे, धनमुनि प्रथम। बस मैं उनके मोह पास में बंध गया। उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना खूबसूरत था, आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत था। तो मैं बस, मुझे एक ही हो गया कि मुझे इनकी तरह बनना है। बाकी ज़्यादा 12-13 वर्ष का बच्चा क्या जानता है, पर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे इनकी तरह बनना है। और वो धुन मुझे ऐसी लगी कि मैंने उसी चातुर्मास में मैंने जो है चौबियार शुरू कर दिया। नंगे पाँव चलता था, बहुत सीमित द्रव्यों का सेवन करता था, मैं तत्व ज्ञान सीखना शुरू किया, मैंने 25 बोल, प्रतिक्रमण, वक्तांबर, और जितना भी मतलब बहुत तेजी से मैं तत्व ज्ञान सीखना शुरू किया, त्याग प्रत्याख्यान रखने शुरू किए। गांवों में बहुत जल्दी अफवाह भी हो जाती है, सारे गांव में बस एक ही, और मुझे इतना नशा था उनके प्रति, मैं आपको बताऊँ कि मैं घर से ये कह के जाता मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में जाके अपनी अटेंडेंस लगवा लेता और मैं आकर के महाराज के पास बैठ जाता, और फिर शाम को जब छुट्टी होती फिर स्कूल जाके अपनी किताबें उठा करके घर आ जाता था। धीरे धीरे, हम लोग 6 भाई है, मैं सबसे छोटा था, 6 भाई और 2 बहनों में, मेरी माँ के मन में भी कहीं न कहीं मैं ये रहा कि मैं महाराज की माँ कहलाऊँ। यही कारण मैं समझता हूँ कि वो मुझे प्रोत्साहित करती थी, किंतु मेरे सारे भाई इस बात के खिलाफ थे कि मैं वैराग्य दिशा में आगे बढ़ूं या मैं कोई सन्यासी बनूं, और वो इतने खिलाफ थे। लेकिन मैं छोटा सा था, मैं उनसे जिरह भी नहीं कर सकता था, और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा भी नहीं कि बड़ों से प्रश्न किया करते हैं, मैं बोल भी नहीं पाता था। वो जब भी गांव आते थे, अपने व्यवसाय स्थानों पर रहते थे, कोई जोधपुर, कोई अहमदाबाद, कोई कर्नाटक में, तो मेरी ज्ञानशाला भी छूट जाती थी, महाराज के जाना छूट जाता, फिर वो चले जाते, मैं फिर से शुरू हो जाता। यूँ करते करते अंत में फिर घर वालों को जब ज़्यादा पता लगा तो मुझे भाई लोगों ने पचपदरा छुड़ा करके मुझे जोधपुर ले आए कि ये शहरी वातावरण में रहेगा और इसका वैराग्य छूमंतर हो जाएगा। लेकिन जोधपुर जाने के बाद भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया, फिर मुझे वो अहमदाबाद ले गए और व्यवसाय से जोड़ दिया। मेरे सांसारिक परिजन, जीजा जी वगैरह सब वहाँ व्यवसाय में थे। लेकिन अंततः जब मेरी उम्र करीब करीब 18-19 वर्ष के आसपास आ गई, उस समय में, ये बात मैं 78-80 की कर रहा हूँ, तो 18-19 वर्ष में हमारे यहाँ तो शादियाँ हो जाती है ना, पढ़ाई का भी तब उतना नहीं था। तो तब होते होते एक स्टेज ऐसी आई, तब मुझे बोलना पड़ा, और मैंने जब विरोध किया इस बात का कि मैं सगाई
मेरा ये मानना है शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार ऐसे आचार्य जन्म लेते हैं, उन आचार्य के कर कमलों से मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला, किंतु इस बीच में परिवारजनों से अनुमति लेने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं तीन द्रव्य मैंने कुछ नियम स्वीकार कर लिए, मैं शादी नहीं करूंगा, व्यवसाय नहीं करूंगा, और जब तक परिजन स्वीकृति नहीं देंगे तीन द्रव्य से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। ये सोचते हुए मैंने किया कि मेरा काम सप्ताह 10 दिन में हो जाएगा। तीन द्रव्य में एक लुकी रोटी, पानी और रोटी डूबे उतना सा दूध। तो मैंने एक दो दिन तो खाया, तीसरे दिन से उबा खानी शुरू की, कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं। 109 दिन निकल गए, 109 दिन निकल गए, मेरा 5-6-7 किलो वजन कम हो गया। तब मैं बहुत दुबला पतला ऑलरेडी था तीन द्रव्यों में। फिर जो है आमरण अनशन में उपवास में जैन उपवास में कुछ लिया नहीं जाता है पानी के सिवाय। मेरा एक दिन दो दिन तीन दिन निकला, उन्होंने एक ही कहा भूख लगे रोटी खा लेना, वरना ये सपने में ही मत सोचो कि तुम सन्यासी बनोगे। फिर 4 दिन 5 दिन 6 दिन निकले, उन्होंने एक ही कहा कि देखो कठोरदान में रोटी पड़ी है, नहीं तो अगर मर गए तो सोचेंगे 6 नहीं 5 ही भाई थे, लेकिन ये सपने में मत सोचो कि तुम सन्यासी बनोगे। 7-8-9 दिन निकले, पास पड़ोस वाले लोगों ने भी कहा कि देखो ये जिद पे हैं, कुछ भी हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी टेक्निक पूर्वक सभी भाइयों ने एक अलग कमरे में मीटिंग की, फिर मेरे पास आए, बोले अच्छा हम स्वीकृति देंगे लेकिन 1 साल परीक्षा लेंगे तुम्हारी। मैंने कहा आप परीक्षा कुछ भी लीजिए लेकिन आपकी बात का भरोसा क्या। उन्होंने स्टम्प पेपर में मुझे लिख के दिया और उस 1 साल में उन्होंने मुझे 200 फिल्में दिखाई, जूली से लेके कूली तक। इस सिनेमा हॉल से निकालते इसमें घुसाते, इसमें से निकालते इसमें घुसाते, और अहमदाबाद से लेकर के कन्याकुमारी तक भ्रमण कराया। मैसूर का वृंदावन गार्डन हो, ऊटी हो, कन्याकुमारी हो, साल भर निकल गया, वैराग्य नहीं उतरा। फिर जो है मेरी दीक्षा 1983 में आचार्य तुलसी जी चतुर्मास करने मेरी जन्मभूमि के बगल में बालोतरा शहर आए, वहाँ पर मेरी दीक्षा हुई। करीब 20-22 साल विदेशों में भी मैं बताऊं, इस उदारता के कारण से मुझे बहुत मिला, और इतना मिला कि मैं बता नहीं सकता। भगवान महावीर के इस अहिंसा दर्शन की, इस अनेकांत दर्शन की, आज यूनाइटेड नेशंस तक जो है उन मंचों से मैंने संबोधित किया है। जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, मुझे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने का अवसर मिला, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ को। उस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून थे मंच पर, हमारी भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी थे। और ये सौभाग्य मुझे क्यों मिला मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने योग दिवस की बात की संयुक्त राष्ट्र संघ में और वो स्वीकार हुआ। आज आप जैन परंपरा को देखिए, जितने भी हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ मिलती हैं ऋषभ से लेकर महावीर तक, वे सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। कोई पद्मासन में, कोई अर्धपद्मासन में, कोई सुखासन में, कोई कायोत्सर्ग के अंदर, जो कि ये सिद्ध करती है कि हमारी अध्यात्म की योग की परंपरा हजारों वर्ष पूर्व रही है। तो विरासत में ये सब जो खजाना मिला है उसे बांटने का अवसर मिला है। मैं मुझे कैलिफोर्निया की असेंबली को संबोधित, मिलपिटास असेंबली को संबोधित करने का अवसर मिला, मुझे वहाँ पर Q2 City अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन ये सारा इसलिए मिला, मैंने वहाँ पर भी कहा था जैना कन्वेंशन में,
हिलेरी क्लिंटन से एक बार जब भेंट मुलाकात हुई, मैंने जैन समाज से भी कहा कि ये सब सारा गौरव जो है ये भगवान महावीर के अनेकांत दर्शन का, अहिंसा दर्शन का, और आज हिंसा और आतंकवाद का अगर कोई समाधान है। मुझे आज भी याद है भगवान महावीर की जन्म जयंती का एक कार्यक्रम मैंने राष्ट्रपति भवन में रखा, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उपस्थित हुए, और अगले साल का कार्यक्रम विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में था। हमारी भारत की विदेश मंत्री ने वहाँ खड़े होकर के एक बात कही कि आज विश्व की तीन बड़ी समस्याएं हैं, पहला हिंसा और आतंकवाद, दूसरा क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन, और तीसरा गरीबी असमानता अभाव। और संयोग से इन तीनों ही समस्याओं का समाधान कहीं एक जगह मिलता है तो वो भगवान महावीर के दर्शन में मिलता है। तो बंधुओं, हमें विरासत में इतना महान दर्शन मिला है, आज अपेक्षा है उसको हम लेकर के आगे जाएं, उसकी जरूरत समूची मानव जाति को है। और आज आप देखिए भगवान महावीर ने, ये उनका साइंटिफिक दर्शन था, उन्होंने बात की शाकाहार की, आज मेडिकल साइंस कहता है कि शाकाहार सर्वोत्तम आहार है। उन्होंने बात की रात्रि भोजन निषेध की, आज डॉक्टर कहते हैं कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। उन्होंने बात की अचित पानी की, आज सभी ये जो आपकी प्रणाली है मिनरल वाटर और गर्म पानी, ये सारा क्या है, वो इतना साइंटिफिक उनका दर्शन है। और आज आपको मैं बताऊं, भगवान महावीर के उस दर्शन को मानते हुए विदेशों में केवल शाकाहारी नहीं, हजारों की संख्या में गोरे वीगन बन गए हैं। वीगन का अर्थ है वो डेयरी प्रोडक्ट्स ही यूज नहीं करते हैं। तो आज भगवान महावीर का दर्शन वैश्विक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अपेक्षा है सारे जैनी मिलकर के, एकजुट होकर के अगर इस कार्य में लगेंगे तो महावीर का दर्शन तो आगे बढ़ेगा ही, किंतु उससे बड़ी बात होगी समूची मानव जाति का हित और कल्याण की। तो आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के प्रयास करें, और मैं कलकत्ता समाज से भी कह रहा हूँ वो भी आए, जुड़ें साथ, और हम सब मिलकर काम करेंगे। आपको मैं केवल जो है सहयोगी नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं सहभागी बनाना चाहता हूँ। आइए कदम से कदम मिलाकर के हम साथ चलेंगे। ओम और आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी 1-7 नवंबर तक टोरंटो कनाडा में आयोजित विश्व धर्म संसद को संबोधित किए हैं। संसद में इस वर्ष 80 देशों से लगभग 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए हैं। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में इसी विश्व धर्म संसद को शिकागो में संबोधित कर विश्व का ध्यान भारत की आध्यात्मिक धरोहर पर आकर्षित किया था। आचार्य लोकेश जी ने इससे पूर्व 2015 में सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म प्राकृतिक संसाधनों का हनन। दूसरा विषय शांति और प्यार, युद्ध हिंसा और नफरत विहीन विश्व। तीसरा विषय मानवता संरक्षण एवं पर्युषण पर्व। आचार्य लोकेश जी विश्व धर्म संसद में प्रथम बार जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्व पर्युषण पर्व पर चर्चा किए हैं और बताए हैं पर्युषण पर्व किस प्रकार मानवता का उद्धार कर सकता है।